बट जो मेन है ना वो मैं दिखाऊंगा, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। ये है प्रॉपर फिटिंग जो कि आपको मिलेगा एक्सिल का, इसके अंदर जो प्रॉपर फिट होगा आपका। पहले इसके अंदर लगाया ऑस्टिन रेसिंग जो कि सब SC प्रोजेक्ट शॉर्ट कैन, एक और निकाल देते जो हमने लास्ट बाइक में निकाला वही वाला। तो फ्रेंड्स आज मैं लाया हूँ आपके लिए अप्रैलिया 457 की मॉडिफिकेशन, हो चुकी मॉडिफिकेशन है, ऐसी मॉडिफिकेशन होने वाली है जो कि इसके अंदर देखते हैं सब ये कराते क्या क्या है, बट जो मेन है ना वो मैं दिखाऊंगा, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट जो कि मिलेगा आपको विद हेडर। हेडर होते हैं इसके ओरिजिनल वाले जो कि एक्सिल के हैं, वो अपने पास अवेलेबल हो चुके हैं। तो ना पहले भी गाड़ी खुल चुकी है, देख सकते हो आप गाड़ी खुल चुकी है। इसका अभी निकाल रहे हैं इसका एग्जॉस्ट पूरा फुल सिस्टम निकाल रहे हैं इसका, और इसका निकालने के बाद ना फिर आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर किस तरीके से फिट होगा। बिना एग्जॉस्ट के साउंड पहले सुनेंगे आपको हेडर की, फिर उसका सुनाएंगे आपको एग्जॉस्ट की साउंड कि किस तरीके से साउंड इसमें होने वाली है। और मैं आपको एक एक करके आइटम दिखा दूंगा, आइटम में क्या क्या होती है जो इसके अंदर लगा सकते हैं हम। देखिए ये मैंने निकाल रखा है इसका हेडर जो कि आप देख सकते हो, ये है प्रॉपर फिटिंग जो कि आपको मिलेगा एक्सिल का, इसके अंदर जो प्रॉपर फिट होगा आपका। मैं करता हूँ इसके अंदर फिट, वो तो दिखाई दूंगा, बाकी इसमें और क्या क्या हो सकता है लग सकता है वो भी दिखा देता हूँ। देखो मेरे पास ना एक सबसे बड़ी चीज़, एक तो हेडर तो आ ही चुका है इसका, बाकी देख रहे हो आप कि क्या है अप्रैलिया 457 का। ये है आपका स्क्रीन गार्ड, मीटर का स्क्रीन गार्ड है जो कि अवेलेबल है हमारे पास इसका अप्रैलिया का। वैसे नॉर्मल मिलेगा नहीं आपको अप्रैलिया का ढूंढने से, साथ में इसमें लगेंगे देख सकते हो। ये है इसके शॉकर प्रोटेक्शन जिससे आपका शॉकर वगैरह सब सेफ होता है। ये आपको मिल जाता है इसके अंदर फॉक्स लेटर जो आपको करता है फुल सेफ आपके शॉकर और डिस्प्ले वगैरह को। और इधर आपको मिलेंगे लीवर गार्ड जो कि लेटेस्ट वाले हैं, वैसे देखते हैं भैया क्या लगवाते क्या नहीं लगवाते। ये लेटेस्ट वाले लीवर गार्ड है, ये भी इसके अंदर शायद इंस्टॉल करेंगे नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, बट मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इसकी जो आपको मिल जाती हैं। और सबसे मेन चीज़ देखिए रेडिएटर गार्ड भी हमारे पास अवेलेबल है जो कि मिलता है आपको अप्रैलिया 457 का। ये आपको रेडिएटर करता पूरी तरीके से भी मिलता है आपको, स्टेनलेस स्टील के अंदर आपको मिल जाता है। लुक चेकआउट कर लो इसकी कैसी आएगी, और करते हैं इसको इंस्टॉल ऑफ दिखाते हैं। और इसमें और भी चीज़ें जैसे कि हैजार्ड होगा ये भी इसके अंदर लग जाएगा, और उसके बाद इसके अंदर इवोटेक के फ्रेम स्लाइडर ये भी निकाल रखे हैं, ये भी देखते हैं हम कि लगाते क्या वो तो बाद में था, पर ये चीज़ें वो है जो इसके अंदर लग सकती हैं जैसे कि टैंक पैड वगैरह होगा देख सकते हैं। ये व्हील्स का मिलता है आपको इसके अंदर टैंक पैड जो आपके टैंक को करता है पूरा पैड। तो ये है आपके अप्रैलिया 457 के लिए इतनी सारी मॉडिफिकेशन जो निकाल रखी हमने, बाकी देखते हैं भैया क्या क्या कराते हैं। और लेमिनेशन इसमें ऑलमोस्ट डन हो चुकी है देख रहे हो आप, क्योंकि सबसे पहले काम क्या होता है कुछ कराओ ना कराओ लेमिनेशन फ्रेम स्लाइडर लीवर गार्ड ये चीज़ ज़्यादा जरूरत है। ये देख रहे हो आप ये ट्रिपल लेयर जो लगी हुई है अभी, ये भी उतारी नहीं है अभी, पहले कंप्लीट करने के बाद ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या हुआ है फाइनली। ये हेडर मेरे हाथ में आ चुका है और अब करते हैं इसे कंप्लीट, और फिर उसका दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से इंस्टॉल होने के बाद साउंड आती है इसकी। पहले सिर्फ हेडर की सुनाएंगे, फिर सुनाएंगे आपको किसकी एग्जॉस्ट के साथ में। आइए देखिए, मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में कि इसमें इसका जो था हम ये निकाल रहे थे, अब ये निकल चुका है, बाकी मैंने बैंड पे आपको चेकआउट करा ही दिया इसका कि हेडर कैसा होता है। अब इसका देख लो, ये देखो ये इसका हेडर है जो कि मिलता है आपको कैथलिक कन्वर्टर, मेन जो साउंड रोकता है वो ये रोकता है, वरना आप चाहो तो इसे काट के भी लगा सकते हो। जैसे कि हमारी आपने लास्ट वीडियो इसके अंदर देखा था उस टाइम पर इसका बना नहीं था, बट अब क्या है इसका आ चुका है, मैंने आपको दिखाई दिया, ये देख सकते हैं पूरा ओपन कर दिया गया है, इसका हेडर निकल गया है। और अब करते हैं इसको इंस्टॉल्ड, और इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाते हैं, फिर एक एक करके साउंड सुना देते हैं कि आपको कैसी साउंड किसकी लगी वो आप भी मुझे जरूर बताना। तो पहले मैं ना देखो इसका जो मैंने बताया था हेडर इसका हम पूरा इंस्टॉल कर चुका है, लुक चेकआउट कर लो हेडर, ये आपका प्रॉपर फिटिंग वाला, ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये आपका प्रॉपर अप्रैलिया 457 का। अगर कोई ऑनलाइन भी कोरियर से मंगाना चाहे ना तो वो इजीली खुद भी फिट करा सकता है किसी भी मैकेनिक से, क्योंकि प्रॉपर है, कोई जुगाड़ नहीं एक्सिल का जो मैंने बताया आपको। और हमने पहले मैं इसकी ऐसे ही साउंड सुना तो किस तरीके से आ रही है आपकी विदाउट एग्जॉस्ट सिर्फ ओनली फॉर हेडर की। करो स्टार्ट, भाई साहब सुना आपने कितनी गजब साउंड है, मतलब चलो अब करते हैं इसको अंदर एग्जॉस्ट की स्टार्टिंग लगा के सुनाने की उसमें कैसे आ रही है एग्जॉस्ट के साथ में। तो पहले इसके अंदर लगाया ऑस्टिन रेसिंग जो कि सबका बाप है एग्जॉस्ट के मामले के अंदर, इसकी सुनाते हैं साउंड कैसी आती है इसके अंदर। भीड़ देख रहे हो कैसी लगी यहाँ पर, देखो ये देखो इतनी भीड़ देख चुकी है सिर्फ एग्जॉस्ट की साउंड सुनने के लिए, ये तो भी शॉप के अंदर है, अगर बाहर करेंगे तो क्या हाल होगा पता है आपको। चलो करो स्टार्ट, गजब है बाबा। नेक्स्ट भाई साहब ऑसम साउंड आ रही है, ऑसम मतलब
सुपर बाइक में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग वर्जन मेरे ख्याल से बहुत ही अल्टीमेट है। तो अब इसमें लगा है एससी प्रोजेक्ट शॉर्ट कैन और इसकी सुनते हैं साउंड किस तरीके से आने वाली है। स्टार्ट। तो करते हैं अभी एक और सुनाते हैं इसके बाद साउंड कैसी आती है। ऐसा चलते हैं अब दूसरे एग्जॉस्ट की तरफ जो कि मिलता है इसके अंदर 6 सेट एक्रा का, इसकी सुनते हैं साउंड। आइए काफी करारी साउंड है बाबा, मजा आ गया। नेक्स्ट सुनाते हैं आपको कौन सा, पहले लुक देखो फिर बताता हूँ कौन सा। ये है आपका ट्रांसफार्मर वाला, ट्रांसफार्मर डिजाइन के अंदर आपको मिल जाएगा एग्जॉस्ट जो कि लुक कुछ इस तरीके से। इसकी भी सुनते हैं साउंड कितनी खतरनाक और कितनी अच्छी कैसी आती है। करिए स्टार्ट। अरे वारे गजब गजब साउंड है बाबा गजब। नेक्स्ट इसकी भी साउंड यार बताते हैं आपको यशुमुरा का E47, इसकी भी सुनते हैं साउंड किस तरीके से इसमें आने वाली है। फिलहाल अभी लगाते हैं और चेक कराते हैं फिर साउंड कैसी है। भाई सब कुछ भी कहो ये कम नहीं है यार, ये मतलब 0-900, 10R मुझे लगता है कि फेल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि भाई साहब जिस बजट के अंदर आपकी बाइक है ना इसके अंदर कोई भी एग्जॉस्ट लगा रहा है ना साउंड ऑसम ब्लॉसम आ रही है, मतलब मज़ा ही आ रहा है मेरे को तो। बाकी आपको सुनने में मज़ा आ रहा होगा, लास्ट वीडियो में आपने देखा था वो मैंने डिकेड लगाया था बट ये फुल सिस्टम है, तो जिसमें जो मज़ा आया मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि उसमें अच्छे लगे या फिर इसमें ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। करो स्टार्ट। अब लगाते हैं इसके अंदर R9 जो कि पता ही आपको जो ज़्यादातर चलता है वैसे, बट ये लगेगा नहीं इसके अंदर, फिर सुन लेते हैं साउंड कैसी आ रही है इसे। बेसी हो गया, बेसी साउंड इसको तो ये तो बेसी हो गया R15 वगैरह के अंदर ही चलता है, इसमें कुछ खास मेरे को लगा नहीं क्योंकि बेस इसके अंदर किसी को चाहिए नहीं। नेक्स्ट निकालते हैं हम R9 लॉन्ग जो कि आपको मिलेगा लेटेस्ट वाला, जो कि आपने अभी तक मेरी एक या दो बाइकों में देखा हो जो मैंने लगाया है, बट इसमें अब चेक कराए थे इसमें कैसी आती है इसकी साउंड। साउंड तो सभी की अच्छी है। अब एक और निकाल देते जो हमने लास्ट बाइक में निकाला वही वाला, क्योंकि वैसे सबकी अच्छी लगी साउंड, बाकी भैया कौन सी अच्छी लगी वो बाद में पूछ लेंगे, फिलहाल हम उसकी और साउंड सुना देते हैं। और भैया ये ना माइक मेरे को किसी ने कहा था वीडियो में कमेंट डालकर कि भैया माइंड थोड़ा माइक थोड़ा पीछे रखा करो, तो इसीलिए माइक मैंने पीछे रखा था इसके अंदर, आवाज़ जैसे मैनेज कर लेना। लास्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा क्लोज कर दिया था तो मैंने कहा भाई डांटे ना दोबारा, तो इसलिए मैं दूर से कर रहा हूँ इसको। खतरनाक सबसे किलर साउंड आती है इसके अंदर जो मैंने लगाया ये वाला, क्योंकि ये मिलता है आपको सुपर बाइक वाले में 10R वगैरह Z900 वगैरह के अंदर, देखा होगा वही एग्जॉस्ट इसके अंदर लगा दिया है। ये देख सकते हो इसकी साउंड, मतलब अल्टीमेट लुक अल्टीमेट साउंड, और भाई सब दिल को चीरती हुई नहीं दिमाग को भी चीरती हुई निकलती है इसकी साउंड, ऐसी साउंड है इसकी। तो करते हैं इसको इंस्टॉल और दिखाते हैं आपको फाइनली कौन सा पसंद किया है, और भैया टाइम हो तो वीडियो बनाएंगे वरना यहीं पर क्लोज करके वीडियो आपको दिख लें, जो पसंद है बता देना कौन सा आपको लगवाना हो। बाकी अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, रजू भाई SKD को जो कि मिलता है आपको यूट्यूब पर से मिलेगा इंस्टाग्राम पर भी, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपका मेरा जो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, एड्रेस भी डला हुआ, लोकेशन भी डली हुई है, बाकी आप चाहो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है जो कि मेरा पर्सनल नंबर है 7827217 14, आप चाहो डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकते हो, कुछ भी मंगाना हो तो कुरियर भी आपका हो जाता है। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं, गुड बाय।